हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो इसीलिए हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। तो इससे आगे हम हाउस की बात कर लेते हैं। आज का हाउस 30x60 फिट का है और 1800 स्क्वायर फिट का ये एरिया है। अगर इसके कॉस्टिंग की बात की जाए तो आपको 45 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्टिंग आ सकती है। और दोस्तों, अगर आप इसका 2D लेआउट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका 2D लेआउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे चलते ही आप सामने देख सकते हैं, आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर अच्छी खासी पार्किंग है और आप यहाँ पर एक कार और अपनी एक दो बाइक आराम से खड़ी कर सकते हैं। अगर हम इससे आगे हाउस के ओपन स्पेस की बात करें तो आपको फ्रंट में अच्छा खासा ओपन स्पेस एरिया देखने को मिल जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अच्छा खासा ओपन स्पेस दिया है। अगर हम इससे आगे चलें तो आप इसका 2D लेआउट देख सकते हैं, इससे आपको वीडियो को थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही आप सामने देख सकते हैं, आपको हमारे हाउस का ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, आप बैक वॉल डिज़ाइन देख सकते हैं, इस पर हमने वॉलपेपर इंस्टॉल किया है। और एक आपको अच्छा खासा सिटिंग अरेंजमेंट देखने को भी मिल जाता है। तो इसके बाद हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक स्पेस हमने दिया है। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको एक कोर्टयार्ड देखने को मिल जाएगा और आपकी कोई अच्छी खासी डिमांड रहती है। आप देख सकते हैं कोर्टयार्ड में आपको ऊपर तक ओपन स्पेस देखने को भी मिल जाएगा। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट। आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं हमारे हाउस के लिविंग एरिया की वॉल पर आपको स्टुको देखने को मिल जाएगा। स्टुको एक तरह का पेंट होता है। इससे आगे चलें तो आपको सामने की तरफ एक पूजा रूम भी देखने को मिल जाता है। इससे आगे चलें तो आपको पूजा रूम के साइड में किचन देखने को मिल जाता है। आप किचन को देख सकते हैं। तो जो ये किचन है, ये आपको मॉडर्न लुक में देखने को मिलेगा। और इससे आगे अगर हम चलेंगे तो आपको पीछे की साइड में आपको एक वॉशिंग एरिया देखने को मिलेगा, वीडियो में आगे देख सकते हैं। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आप सामने देख सकते हैं जो हाउस का बैक स्पेस है वो आपको ओपन देखने को मिलेगा, ताकि आपको हाउस में वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना आए।
हाँ तो दोस्तों, तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं, आप इसके सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस रूम में आपको अच्छा खासा वार्डरोब देखने को मिल जाएगा। बेडरूम का अटैच टॉयलेट देखें तो वो आपको एक साइड में देखने को मिलेगा, ताकि आपको बेडरूम के अंदर टॉयलेट सीधा ना दिखे। से आगे चलते हुए अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ। आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, हमने सीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा ओपन स्पेस रखा है। और इसके बाद हम ऊपर एंटर करेंगे, और ऊपर एंटर करने से पहले आप इसका 2D लेआउट देख लीजिए, ताकि आपको ऊपर का एरिया अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का फैमिली लाउंज है। आप इसके सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं, आप इसका बैक वॉल डिजाइन देख सकते हैं। हमने इसके बैक वॉल डिजाइन में भी वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। आपका जो नीचे का कोर्टयार्ड है, उसका भी यहाँ पर वेंटिलेशन होता रहेगा। हमारे हाउस का फर्स्ट फ्लोर एरिया है, उसके साथ आपको अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। हमने इस बालकनी में अच्छी खासी एक प्लांटेशन की है, आप देख सकते हैं। तो अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो जो ये आगे की बालकनी है, ये हमारे ऊपर वाले सेकंड बेडरूम के साथ भी आपको अटैच देखने को मिल जाएगी। आप सेकंड बेडरूम देख सकते हैं, और आपका जो सेकंड बेडरूम है, इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे फैमिली लाउंज एरिया की तरफ दोबारा। अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ, और इस बेडरूम को भी आप देख सकते हैं। आपको एक अच्छा बेडरूम मिल जाता है, आप इसका बैक वॉल डिज़ाइन देख सकते हैं, आप इसके वार्डरोब भी देख सकते हैं। तो ये बेडरूम भी हमारा सेम नीचे वाले बेडरूम की तरह ऊपर रहेगा। तो अगर हम इससे आगे बढ़ें तो आपको ऊपर एक जिम देखने को मिल जाएगा। इसमें भी हमने आपको बहुत बड़ा स्पेस दिया है। आप चाहें तो आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए
आपको लेकर चलते हैं हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। सीढ़ियों का हमने आपको पहले भी बताया था, आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो इसके बाद अभी हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। यहाँ पर आपको स्विंगर देखने को मिल जाएगा, अच्छा स्पेस मिल जाता है, अच्छी आपको यहाँ पर बालकनी देखने को मिल जाएगी। और जो हमारा ऊपर का ओटीएस एरिया है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अभी हम हमारी वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको अच्छे एलिवेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो आप अभी हमारे चैनल को, एक बार मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे कॉन्टेंट आपको यहीं मिलेंगे। थैंक यू।